से आप क्या हैं? जी, मेरा नाम जीतू गोस्वामी है और मेरे कैरेक्टर का नाम मनिया है। और मुरली जी को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, हमने एक्चुअली साथ में काम किया था एक ट्रैवल शो के लिए, तो तब से कुछ था कि नहीं कुछ अच्छा करते कुछ बढ़िया करते, तो आज वो मौका मिला है। और अच्छा है, अच्छी टीम है, गणेश यादव जी हैं, सुनील हैं, गणेश यादव जी के साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ और ये दूसरा मौका होगा। जस्ट अभी हम मिले तो हमने दूसरे को वही बोले कि यार सेकंड फिल्म कर रहे हैं साथ में, तो खुशी है, एंजॉय कर रहे हैं इस मौके को, और आप लोगों का साथ मिलेगा तो और भी अच्छा हो जाएगा। सर, आपसे कहना चाहूँगा कि क्या करना चाहेंगे जूनियर प्रोजेक्ट से और कितने प्राउड फील कर रहे हैं साउथ के सुपरस्टार इस प्रोजेक्ट के पार्ट हैं? आई एम फीलिंग वेरी प्राउड टुडे। मुरली जी के साथ मैं ऑलरेडी एक फिल्म कर चुका हूँ, बिंगरी नाम है उसका, अब मे बी विदिन 4-5 मंथ रिलीज होगा वो, और ये सेकेंड फिल्म इनके साथ मैं कर रहा हूँ द गैंग। और बॉलीवुड फिल्म में बागी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने वहाँ से डेब्यू किया है टाइगर श्रॉफ के साथ। बस अब ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि फिल्म जल्दी बन जाए और सुपर डुपर हिट हो जाए। तो जानना चाहूँगा कि कितना चैलेंज था इस रोल को प्ले करना, थोड़ा सा चैलेंज लेंगे रोल? अभी देखिए, अभी शूट अभी शुरू होगी लेकिन हम लोग की तैयारी अभी भी शुरू है। अच्छा। वही कैरेक्टर को देखकर हम लोग जो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, जैसे आर्या का कैरेक्टर है, मेरा कैरेक्टर है और केदार जो है उनका कैरेक्टर है, हम लोग पढ़ रहे हैं कि अभी अभी रीडिंग शुरू है, हम लोग वही पढ़ते हुए सोच रहे कि कौन किस तरह से वो उस कैरेक्टर को लेके जाएगा। हाँ, लेकिन इतनी बात पक्का है जब फिल्म रिलीज होगी तब हर एक कैरेक्टर आपको अलग दिखेगा। आप कितना बड़ा चैलेंज होगा ये रोल लेकर जो आप रोल लेकर? चैलेंज हर एक एक्टर के लिए, एक कोई भी कैरेक्टर निभाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जैसे हम लोगों ने सत्या देखा है, वास्तव देखा है, तो ऐसी सब फिल्में देखने के बाद हमें पता चलता है कि हमें फिल्म के अंदर क्या करना है, कि जैसे दर्शकों को क्या चाहिए, वो क्या देखना चाहते हैं इस फिल्म से। तो बेशक हम अपना 100% देंगे और ये हमारे साथ टैलेंटेड एक्टर्स है, इनके साथ हम अच्छा काम करके अच्छी फिल्म बनाएंगे।